एवरीवन, तो फिर देखिए माँ रात का भी खाना बना रहे क्योंकि उनके बेटे को चावल का आटा का लिट्टी ना माँ लिट्टी बहुत पसंद है। मतलब रोटी जैसा मोटा मोटा बनता है हाथ से, तो वो मुझसे नहीं बनता है, तो माँ बना के खिलाने वाली है अपने बेटे जी को, मतलब हम सभी को। मेरे लिए दोपहर में बनाया क्या बनाए थे, ठेकुआ, और अभी बेटे के लिए बना रहे हैं लिट्टी, चावल काटे का रोटी मतलब। तो थोड़ा सुसुम गरम पानी करके चावल काटे को गूंदना पड़ता है, और हम उसको बनाते, मतलब मुझसे बनता ही नहीं, कभी चौका बनाया ही बर्गर नहीं। बनाने वाले थे तो तू लोग बोला लिट्टी बना, ये चौका बर्गर बना देते। जैसा आपको ठीक लगे। बोले तो चौका बर्गर बना देंगे। इसको गुनने में ही तो लगता है ना टेंशन, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है ना, इसको गुनने में ही तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, हमसे तो गुनने में नहीं करता। इसका लट्टू खत्म हो गया है और क्या है ना। ताजा आटा से आटा संतर हो गया है ना, ताजा लस्सी रहता है ना। और बुग्गू गया है घूमने, और हम लोग भी अभी मैंने जो सब्जी बना लिया है, आलू का सब्जी बनाया है, और माँ ये बनाएंगी, फिर हम थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि घर में बैठे रहते तो आज जाएंगे घूमने के लिए थोड़ा। देखो ना, देखो ना, दादी क्या बना रही है, देखो दादी, दादी क्या बना रही है बुबू के लिए, दादी क्या बना रही है बुबू, सब्जी है सब्जी, छोड़ो इसको। दादी क्या बना रही, देखना रोटी बना रही, चावल चावल का रोटी बना रही, देख 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 दादी क्या बना रही, देख ना सेकने वाला, देख आमा होगा। हाँ कहाँ रखा है देखना पड़ेगा। अरे रुक ना बेटा, ये भूख बहुत। देखिए हाथ पे ही पूरा, मतलब वो देखो हाथ पे ही वो पूरा गोल सा बनाएंगे जो कि मुझे एकदम नहीं आता, वैसे तो उसमें भी नहीं आता। ये लिट्टी है ना माँ? हाँ लिट्टी है, चौका बनाना नहीं है। हाथ में ऐसे मोटी मोटी रोटी ना। अरे हस्बैंड जी खुश हो जाएंगे अपनी मम्मी का हाथ का खाना खाके। देखने वाले थालीन कहाँ रखा हुआ, अभी क्या सामान सब इधर उधर है तो पता ही नहीं चल रहा। लोग नहीं चला के उसी से बना ले, गुटा गुटा के बना रहे हैं। हम सेकते हैं से फिर जलाना। दस बाबू देखो ना जल जाएगी, बोलेगी गुड़िया बनाने लगे हमको जरा। हाँ कुछ भी मेरा हैबिट हम बनाए हैं, तुमको तो यहाँ से लगा तो तुमको थोड़ा पड़ जाएगा, तीन बोलेंगे बुढ़िया रोटी बना रही है हमको जरा आएगी। बुढ़िया बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ नहीं बोलेंगे, आई बोले बोल। हाँ मम्मी ने नहीं सिखाया हमें सब बोलना, देखो क्या क्या बोल रही मेरी सासू माँ तो ये दूसरी रोटी बन गया, इतनी सिचरा हुआ है, इसी करते करते ये बन जाएगा पूरा कम्प्लीट। तो मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ कैसे बना है ये खाना। इसमें गेहूं का आटा भी नहीं डाले, सिर्फ चावल का आटा है, सिर्फ चावल का आटा है। और जो यूपी बिहार से होंगे झारखंड से होंगे उनको पता होगा है ना, ये लिट्टी आप लोग वो सोच रहे होंगे ना सत्तू वाला लिट्टी। हाँ तो सब सोचेंगे लिट्टी तो उसको बोलते हैं, लेकिन इसको भी शायद आई थिंक लिट्टी बोलते हैं। पतला पतला बना जैसे मोटा मोटा लिट्टी। हाँ और एक लिट्टी होता है जो सत्तू भर के, सत्तू डाल के बनाया जाता है आटे के। हाँ टाइम कितना हो बता दो। 8 हो गया, 8 से ऊपर हो गया। इसको तो एक ही खा के पेट पेट भर जाएगा, नहीं मोटी है ना पूरा जा रहा है एकदम। थोड़ा बना रहे हैं। हाँ फिर भी बहुत पतला है,
चौका बेलना बनाते कैसे में और कितने अपने बनाते हाँ मीन मीन पर पतली पतली वो भी देख दादी क्या बना रही है क्या बना रहे दादी देख गुका आएगा पता छितर के चरवाए के मोट मोट करके के जाता खींचते के वो दादी क्या क्या बोली पता चला तुझे क्या क्या बोल रहे दादी पाता छितर रोटी किसके लिए हरवाए के चरवाए के लिए और मोट मलिदार रोटी किसके लिए जो जाता चलाता उसके लिए मतलब जो जाता खींचता भारी ऐसे से जो आटा ऐसे से हाँ किसा जाता था वो मोट मोट खाए तब ना उसको ताकत रहेगा अच्छा और जो गुरु चलाता है जो हर जोता वो पतला दुबला उसको पर चका बना के रोटी बना के खिलाओ अच्छा समझ गई सुन रहा है ना बुग्गू बुग्गू आज रह नहीं रहा है कल ही रो रहा है जब उठ गया है बिना मतलब का बुग्गू क्या दादी बोल रहे सुनो बेटा वो लिट्टी खाएगा लिट्टी से चोखा खाएगा चोखा से मलिदा खाएगा अच्छा ना मरता है हमको हम लोग में मलिदा अलग बोलते हैं मलिदा बनता तो मैं लेकिन खाए मोहर्रम में देखो आज माँ हाँ बोलिए तो बोलिए माँ बता रही है मतलब मैं मुस्लिम हूँ ना तो उस पर बोल रही है माँ की हाँ तुम लोग के मोहर्रम में मलिदा बनता है मलिदा किसको जो जाता खींचेगा उसको माँ को मालूम है हमारे में क्या क्या बनता है मोहर्रम में क्या बनता है हर एक चीज हमको लगा नहीं पता होगा इसलिए हम बोले मलिदा हम लोग में कुछ कुछ और चीज में बोलते हैं मेरे मम्मी भी तो दी होगी हम लोग भी तो दिए होंगे रोट मलिदा मोहर्रम में मोटा मोटा बना के गरीब हाँ रोट उसको रोट बोलते हैं हाँ उसको मलिदा बोलते हैं देखो मेरे सासू माँ को मुस्लिम का हर एक चीज पता है देख लिए ना आप लोग जिन लोगों को नहीं पता हुआ जो लोग भोर में खाते हैं अकौड़ी पकौड़ी बने के शाम को कुरम को मिलता था खाने के हाँ वो ए, रोजा में रमजान में हाँ रमजान में बरवा डीनी उनको देती थी मतलब माँ लोग जहाँ पहले रहते थे ना झारखंड में बड़वाडी नाम है तो वहाँ पे भी एक मोहम्मदियन रहते थे मुस्लिम तो वहाँ पे माँ का दोस्ती बहुत था ना माँ दोस्ती बहुत था उन लोगों से तो फिर इतना दोस्ती था कि इनको मुस्लिम बहू मिल गई मुस्लिम बहू मिल गई डाल्टनगंज बिहार में बिहारी मिल गई डाल्टनगंज बरवाडी घाटवारे रजारा कहीं मुस्लिम नहीं मिली चढ़ाई मिल गई चढ़ी में मिल गए सब मिलता था आपको सेब फल फूल देते होंगे मिलता था सेवई दूध हम लोग को अलग मिलता था लड़का लोग को सेवई ईद में मिलता होगा ना वो आपको हम लोग को कुछ चीज मिलता था हम लोग सब खाते थे बाले बच्चे सूखा सेवई अलग से बनाया हुआ सेवई अलग से हाँ वो जो घर में बनता मोटी सेवई मोटी सेवई घर पे वो बनाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है मोटा सेवई सेवई अलग से दूध अलग से फल अलग से मिलता है एक लच्छा होता है वो अलग और मोटा सेवई अलग हाँ मोटा सेवई अलग पता का जो भुजा करता है हाँ वो तो बाजार में मिलता है और मोटा सेवई जो होता है वो घर में बनता है मुंगेर का सोचो मुंगेर जिला का जैसे तुमसे दोस्ती था ना हाँ। सोचो दोस्ती ब्याह शादी में लिया गए थे गायत्री का अच्छा जैसे हम बबलिया को लेके जाते थे है ना बता रही है कि जहाँ पहले रहते थे जब हम लोग मतलब हम लोग से जब मुलाकात नहीं है तो उससे पहले भी कहीं क्वार्टर में रहते थे जहाँ मैं रहती थी वहाँ नहीं उससे पहले भी एक मतलब बरवाडी हाँ मतलब रामगढ़ साइड में है तो उधर भी एक मुस्लिम परिवार था जिनसे उनको बहुत ज्यादा दोस्ती था वैसे बोल रहे जैसे उन लोग से था फिर इधर आए तो तुम लोग के घर से हो गया वही बता रहे कि वहाँ पर भी सब लोग बहुत लोग देते थे हर एक चीज शुरू से मतलब आना जाना हर एक चीज था तो सब चीज इसलिए जानते हैं वहाँ का हम लोग रीति रिवाज मतलब भी जानते हैं माँ वही बता रहे होना ही चाहिए इंसानियत देख के होना चाहिए दोस्ती है ना जात पात तो देख के होना नहीं चाहिए देख रहे ना आप लोग मेरे सासू माँ क्या बोल रहे हैं इंसानियत देख के दोस्ती होना चाहिए किसी से आप व्यवहार नहीं करते हाँ होना भी नहीं चाहिए ये चीज कि छोटा है या बड़ा है ये सब देख के कभी नहीं होना चाहिए तो खून तेरा मेरा खून एक ही सेम निकलेगा वो जात लोग हम ही लोग बनाए हैं जात भगवान नहीं बनाए हम ही लोग जतिया बनाए हैं इंसान को ऊपर वाले ने भेज दिया
लेकिन इंसानों ने फिर वो बंटवारा किया कौन क्या है क्या नहीं। इतना मुस्लिम से हम सब छोड़ जाते हैं, पटेल का बिरादरी में नहीं पटेल रहता है। सही बात है, होता है वो जलन हो जाता है ना फिर उसमें। हाँ, जो कितना हमको मारती थी, जैसे होता है कि अपना खानदान नहीं पूछेगा लेकिन बाहर वाले आपको जरूर पूछेंगे। जितना हम लोग को बाल बच्चे को प्यार किया है, खिलाया पिलाया, दोस्ती किया, अपना कोई बिरादरी नहीं दिया, तो वो होता ही है ना कि जितना अपने नहीं पूछते उतने बाहर के लोग पूछ लेते हैं। अगर बाहर में दोस्ती अच्छी है, गला गला मिला के रोते थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन किया प्रेम स्वभाव, दोनों हाथे ताली बजता है, खाते ताली नहीं। सही बात है, दोनों हाथ खाते नहीं बनता, दोनों हाथे रोटी बनता है। ऐसे ही मोहर प्यार भी है, प्यार अगर करोगे तो दोनों हाथ से निभाओगे तो बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा, नहीं निभाओगे तो कोई रिश्ता नहीं। जलेगी चाय चुगले बटे तो कभी नहीं बनेगा रिश्ता, चाहे कोई बिरादरी हो। हमारे घर पर भी बिरादरी है, बहुत ठाकुर ब्राह्मण जाके तो पूछो मेरे बारे में, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। माँ अपना बड़ाई भी कर रही है हाँ? नहीं, जो है सो सच बता रही है, ऐसा कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, जो है वो सच है, कोई झूठ नहीं है। आप लोग देख सकते हो एक मुस्लिम बहू को मतलब एक्सेप्ट करना और अच्छे से रहना, इसका मतलब समझ सकते हो आप लोग। 40 साल में बाहर में रहते हैं, अपने साथ में कोई भी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा न तोड़ वो कुछ नहीं, हर एक जात में जो है Hey guys, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि बुक कर रहा है बदमाशी आप लोगों के लिए। लिट्टी बनारस का लिट्टी है, वाराणसी का लिट्टी मुंबई में बन रहा है, फूल रहा है। पाटा शीतल किस के हरवाओं को चरवाओं को मोट वाली दाती से जाते की जो बाप रे, सब यूट्यूब वाले बोलेंगे अरे बाप रे इतनी कॉमेडियन सास मिली है, देखो ठीक ना, देखो कितनी कॉमेडियन सास मिली है हमें, हंसी से मैं दिखा रही हूँ। बदला छिकला रोटी किसको दिया जाता है, जो गुरु चलाता है हरवा चरवा को, मोट वाली दाती से ज्यादा की चमके। वो का सोच रहा दादी को क्या हो गया है, क्यों दादी ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं, दादी को भूत चढ़ गया है ना, पता हंस रहा है मेरा बेटा। सब चले जाएंगे तो कितना इसको लगेगा कि कहाँ है सब, सब कहाँ है किसको, मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी। हाँ, अपनी सासू माँ को डांस वांस सब दिखाऊंगी अभी कुछ टाइम बाद, देखो मेरा फीस, देखो बोल रहे पैसा लगेगा, देखो मेरा फीस कितना बड़ा हो गया, एक फीस मेरा चला गया इस दुनिया से, क्योंकि यहाँ पे तो पीसा खाली गया है, क्या करेंगे, लेकिन बहुत बचपन से उसको रखे थे, इतना छोटा था, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या दिया करके वो इधर का उधर चेंज हुआ इस वजह से, सासू माँ की मुआ दी कुछ भी। चलो गाइस मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से।